हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हम पहुंच चुके हैं भगवान बुद्ध की तपोस्थली पर। देखिए ये बहुत ही शानदार नज़ारा है, ये माहौल देखिए आप, और उम्मीद करिए कि कितनी शांति और कितनी दिव्यता यहाँ पे है। और हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान बुद्ध की तपोस्थली में, सारनाथ पे आ गए हैं। देखिए ये सब खंडहर हैं जो कि खुदाई में प्राप्त हुए हैं, बहुत ही पुराना और बहुत ही सबसे, अगर किसी सभ्यता का जन्म हुआ तो बहुत धर्म का जन्म हुआ दोस्तों। भगवान बुद्ध यहीं से आकर के अपना शांति स्थापना किया और पांचों शिष्यों को यहीं पे उपदेश दिए। और बहुत ही खूबसूरत माहौल है दोस्तों, चारों तरफ हरियाली है, आप इस हरियाली का आनंद लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना शानदार गार्डनिंग हुआ है, कितना अच्छा माहौल बना है दोस्तों। आप यहाँ पे चिड़ियों के भी आवाज़ सुन सकते हैं, इतनी शांति है दोस्तों। भगवान बुद्ध के तपोस्थली पर भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा माहौल बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप आइए, दर्शन पूजन करिए और इन फूलों के सुगंध को देखिए, हम महसूस कर रहे हैं इतना अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे मधुमक्खी भी शहद लेने के लिए पहुँची है दोस्तों। इतना सुबह सुबह का जो माहौल है, बहुत ही दिव्य माहौल है। और आप यहाँ पे आ करके यहाँ पे देखिए शांति से बैठ सकते हैं, कितना अच्छा नज़ारा बना हुआ है। और ये मेरे गुड्डू भाई हैं, देखिए नज़ारा बना हुआ है, एकदम एक नंबर का व्यवस्था है। और इस प्राकृतिक माहौल में आप आ करके बहुत ही शांति का एहसास करेंगे, आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा दोस्तों, आपका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा। अगर आप पीड़ित हैं तो आप चले आइए इस माहौल में। और देखिए ये बहुत ही अच्छा जगह है बना हुआ है शांति का, आराम से यहाँ पूरे प्रकृति के बीच में बैठिए और अपने आप को एकदम शांत कर लीजिए, अपने दिमाग को शांत करिए और एहसास करिए कि कितनी यहाँ पे शांति है दोस्तों। एकदम से प्राकृतिक नज़ारा है और आपको हम दिखा रहे हैं, ये धम्म स्तूप है, लगभग 1900-800 के ईसा पूर्व के समय का ये धम्म स्तूप बना हुआ है, पत्थर और ईंटों की कारीगरी से ये बनाया गया है दोस्तों। असीमित साफ सफाई और प्राकृतिक माहौल है यहाँ का। तो आप देखिए बगल में दिगंबर जैन मंदिर है दोस्तों, ये धम्म स्तूप है, आप देखिए। इस धम्म स्तूप के उत्खनन से प्राप्त 1026 ईसा के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। यह संभवतः उस स्थान का विशेष घोतक है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर निकंगम ने धातु मंजूसा की खोज में लंबवत उत्खनन किया था, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.2 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ था, जिस पर 6वीं शताब्दी के ब्रह्म लिपि में बौद्ध मंत्र में ये धम्म हेतु प्रभावा लिखा था। इसके भीतर भाग में काफी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33.3 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.5 मीटर है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तावों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हुए हैं, जिसपे संभवतः बुद्ध भगवान प्रतिमाएं रखी रही होंगी। इसके नीचे सुचारू चिपूर्ण ढंग से तराशी गई चौड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर ज्यामितीय स्वास्तिक पत्र बल्लरी पुष्प लता मानव पक्षी आदि इत्यादि सुंदर अलंकरण उत्तीर्ण है दोस्तों। तो हमने आज धम्म स्तूप की विशेषता आपको बताया और कब का ये उत्खनन है, किसने कराया है, कैसे कैसे यहाँ पे चित्रकारी अलंकृत की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो दोस्तों आज हम बहुत ही दिव्य जगह पे आए हुए हैं, धम्म स्तूप पे। आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है, ये प्राकृतिक माहौल है। तो ये आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। धम्म स्तूप में हम आ चुके हैं। तो दोस्तों उस समय के लोग कितने बलशाली रहे होंगे, मोटे मोटे पत्थर ला करके रखना बिना किसी पिलर के, ये खड़ा है दोस्तों। आज कई हजारों साल से इसकी संरक्षण है दोस्तों, यहाँ पे इसका संरक्षण हो रहा है और देखभाल के साथ ये अभी एकदम जिस रूप में ये प्राप्त हुआ था उसी रूप में ये अभी भी चल रहा है, देखिए। और हम आपको ले चल रहे हैं इसी कड़ी में, जो भूमि में प्राप्त खंडहर हुए हैं खुदाई में, उसको आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए खंडहर में प्राप्त ये सब दीवालें हैं, मोटी मोटी उस बहुत पुरानी सभ्यता की ये दीवालें हैं दोस्तों, ये खुदाई में प्राप्त हुई हैं। छोटे छोटे मकान रहे होंगे, किस तरीके से कुछ छेदित हैं, देखिए बहुत ही शानदार और दिव्य नज़ारा है दोस्तों। आप कभी भी सारनाथ घूमने आइए तो यहाँ को बिना घूमे बिना जिए। देखिए ये नीचे एक प्राप्त हुआ है, और ये छोटे छोटे मंदिर जो प्राप्त हुए हैं खुदाई में, इनको बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित किया गया है। आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित करके रखा गया है, यहीं पे पूजा पाठ पहले के लोग करते रहे होंगे। और दोस्तों भगवान बुद्ध पूरे विश्व के लिए एक प्रमाण थे कि उन्होंने विश्व शांति के लिए अपना घर द्वार राजपाट सारे चीज़ें त्याग दिए और पूरे विश्व की शांति में पूरा विश्व शांति में रहे, इसलिए उन्होंने इस सारनाथ में आकर के बहुत ही अच्छा उपदेश दिया अपने पांचों शिष्यों को और बताया कि आप विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाइए और शांति दूत बन करके शांति स्थापना में भाग लीजिए। और देखिए ये पंचायतन मंदिर है उस समय का जो खुदाई में प्राप्त हुआ दोस्तों, यहीं पे पूजा होती थी। ये संरक्षित है देखिए पुरातत्व विभाग के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से, इसको आप देखिए ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए संरक्षित है। यहाँ पे पूजा पाठ पहले के लोग किया करते रहे होंगे, और इसी कड़ी में हम आपको ले चल रहे हैं अशोक स्तंभ पर, आपको इसी कड़ी में उसके भी दर्शन कराते हैं हम। तो दोस्तों बहुत ही शानदार नज़ारा है, ऐसा नज़ारा आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, ये सारे पत्थर ईंट खुदाई में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आप इसकी भव्यता और ये देखिए एकास्म वेदिका है, यहाँ अंदर मंदिर के अंदर जो है शीशे के अंदर पैक करा गया है इसको। और हम आ गए हैं अशोक स्तंभ पर दोस्तों, आप देखिए दोस्तों ये अशोक स्तंभ है, ये मौर्य सम्राट अशोक 2032 ईसा पूर्व द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे एकास्म स्तंभ के टुकड़े हैं, जो चुनार से बुलाए बलुए पत्थर से बने विशिष्ट मौर्यन कालीन चमकदार ओप से युक्त हैं, और इसकी चौड़ाई 10.71 मीटर एवं लंबाई 56 मीटर है। स्तंभ की भूमिगत भाग खुरदरा है तथा संपूर्ण भार एक बड़े शिलापट पर आधारित है। कभी उसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाए चार सिंह वाला प्रसिद्ध सूर्य सुशोभित था, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। अब भारत सरकार द्वारा राज चिन्ह है तथा सरकार संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित है। इस स्तंभ के 3 अभिलेख उत्कीर्ण है, प्राचीन मौर्य काल
कालीन ब्रह्मकालीन लिपि में अशोक का शासनादेश है, जिसमें संघ के बिच्छू बिच्छुओं को विघटनकारी प्रवृत्तियों को निषेधार्थ चेतावनी दी गई है। दूसरा अभिलेख कौशाम्बी के कुषाण शासक अश्वघोष के शासन के 40वें वर्ष का उल्लेख करता है। तीसरा प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख के समितियाँ संप्रदाय तथा वस्तु पुत्रिक विचार के शिक्षकों का वर्णन निहित है। तो आप देखें इसमें किस तरीके से पक्षर पर सारी लिपि उच्छेदित है, और इसी पे अशोक चक्र जो है कि इसमें भारत इसका सरकार का भारतीय चिन्ह बना हुआ है। दोस्तों आप इसके दर्शन करिए अच्छी तरीके से, और बहुत ही शानदार ये नज़ारा है। दोस्तों इस भंडार में आप अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, और हम यहीं पर आकर के आज आप लोगों को इस भंडार के दर्शन करा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित किया गया है। तमाम ये कलाकृतियाँ हैं जो उस समय बनाई गई थी। ये कुआँ रहा होगा, किनारे किनारे पानी भरा रहा होगा, स्विमिंग पूल रहा होगा दोस्तों उस समय का। और आप देखिए किस इस कड़ी में तमाम पांडुलिपियाँ इस पे रचित हैं, कलाएं हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित हैं। और आप देखिए ये एक प्राकृतिक माहौल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आइकन बेल को भी दबा दीजिए जिससे आपको नई नई वीडियो की नई जानकारी मिलती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।